हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सब दा सवेर दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करदे हां पंजाब दीआं मुख खबरां दी। इस वेले जो पहली वड्डी खबर आ रही है जी, जे चीन दे नाल लड़ाई है तां पाकिस्तान नाल भी लड़नी पएगी जंग। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लद्दाख की गलवान घाटी में असल कंट्रोल रेखा से हिंसक झड़प तो बाद भारत और चीन विचाले तनाव अजे भी जारी है। इस घटना को 2 महीने तो वध का समा हो गया है, पर अजे तक दोवां देशों के विचाले कोई गलबात नहीं हो सकी है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जे भारत और चीन विचाले युद्ध दी स्थितियां पैदा हो जांदियां हन तां पाकिस्तान भी इस विच शामिल हो जाएगा। उसने यह भी कहा कि 1962 के युद्ध विच जिस तरह चीन नूं ढुकवां जवाब मिलदा सी, उस तरह हुण भी मिलना चाहीदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मेरिया गल्लां नूं याद रखण, जे चीन दे नाल युद्ध होया तां पाकिस्तान भी इस विच शामिल होवेगा। चीनी सैनिक पहली बार गलेवान नहीं आए, वह साल 1962 विच भी इत्थे आए सी, पर सच यह है कि उस समय असीं हुण नालों कितें बेहतर स्थिति विच सी। चीन बहुत मूर्ख होगा जे वह सोचता है कि साढ़े ते चढ़ाई कर देगा। अगली वड्डी खबर जी, वड्डी लापरवाही आई सामने। अमृतसर एयरपोर्ट से पहुंचा करोना पॉजिटिव मरीज, जहाज में चढ़न लगे होया खुलासा। करोना दौरान भी पंजाब अंदर लापरवाही का सिलसिला जारी है। एक हैरान कर देने वाली खबर अमृतसर के हवाई अड्डे तो सामने आई है। एक करोना नाल पॉजिटिव मरीज प्रशासन को चकमा दे के हुशियारपुर तो अमृतसर एयरपोर्ट पहुँच गया। हालांकि एयरपोर्ट स्टाफ की चौकसी नाल मरीज को रोक लिया गया। 31 साल सरबजीत सिंह नाम का व्यक्ति सारजा UAE जाने लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुँच गया, पर वो फ्लाइट में चढ़न तो पहला ही फड़िया गया। दरअसल सरबजीत को तेज़ बुखार सी, जदों एयरपोर्ट स्टाफ ने उस को करोना की रिपोर्ट मंगी तो उस तो पता लगा कि यह व्यक्ति करोना का मरीज़ है। अगली वड्डी खबर जी, अकाली दल ते BJP दे लीडरां दी पिंडां दे विच एंट्री बैन। खेती आर्डिनेंस श्रोमणी अकाली दल ते BJP दे लीडरां लई मुसीबत बन गए हन। किसानां ने केंद्र दे विच सत्ताधारी दोवां पार्टियां दे लीडरां नूं पिंडां विच वड़न तों रोकण दे ऐलान कीते हन। भारतीय किसान यूनियन दे सद्दे ते किसानां ने पिंड नाकेबंदी धरने शुरू कर दिते हन। जथेबंदी दे सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहा ने जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरी कलां नूं कहा है कि मंगलवार को करोना सावधानियां वरतदे 13 जिले के 500 तो वध पिंडां दे धरनियां विच हजारां किसान ते मजदूर परिवार समेत शामिल होए। उन्हां दस्सिया कि धरनाकारियां ने पिंडां दे मुख रस्तियां ते BJP दे अकाली दल दे लीडरां दे पिंड च वड़न दे पाबंदी संबंधी बैनर लाए हुए हन। अगली वड्डी खबर जी, पंजाब दे सियासी आगूआं दे दुआले होया करोना, 3 मंत्रियां सने 23 विधायक पॉजिटिव। करोना हुण पंजाब दे सियासी आगूआं दे दुआले हो गया है। पिछले कुछ दिनों में सूबे दे वड्डी गिणती सियासी आगू करोना दे लपेट में आए। सूबे में हुण तक 3 मंत्रियों समेत 23 विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं। मिली जानकारी मुताबक हुण तक कैबिनेट मंत्री अते उहनां दे नाल दे होर भी काफ़ी मंत्री 23 विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर जी, पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ज्योति जोत गुरपुरब मौके करतारपुर लांघा खोलण की अपील। पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी PSGPC की लाहौर विखे हुई मीटिंग दौरान श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाउण गुरपुरब मनाउण दी तैयारियों का जायजा लिया गया। यह गुरपुरब इस बार श्री करतारपुर साहिब की धरती से 22 सितंबर 2020 मनाया जा रहा है। इस संबंधी समागम 20 सितंबर तो लैके 22 सितंबर तक 2020 तक करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सतवंत सिंह की अगवाई हेठ हुई मीटिंग दौरान समागम की तैयारियों का जायजा लैण के नाल नाल भारत सरकार ने इस अवसर पर करतारपुर लांघे को संगतों लिए मुड़ खोले जाने की अपील भी की है। मीटिंग दौरान कमेटी प्रधान सतवंत सिंह के मैंबर ने कहा कि पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान सरकार की मदद के नाल गुरु नानक साहब का ज्योति जोत समाउण गुरपुरब वड्डे पद्धर से मनाया जा रहा है। अगली वड्डी खबर जी, कलजुगी पुत अते नूं वल्लों मां नूं हाईवे ते सुट्टण दे मामले विच महिला कमिशन ने लिया सख्त नोटिस। रूपनगर विच कलजुगी पुत्र अते नूं वल्लों बजुर्ग मां दी बेरहमी नाल कुटमार करन तों बाद रात दे हनेरे विच मरन लई हाईवे ते छड्ड दित्ता गया। इस मामले में महिला कमिशन ने सख्त नोटिस लिया है। मामला मीडिया में आने के बाद चेयरपर्सन महिला कमिशन पंजाब मनीषा गुलाटी वालों इसकी गंभीरता देखते हुए SSP रूपनगर नाल मीटिंग की गई और मामले में बनती कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्थे ही इस मामले में SSP रूपनगर अखिल चौधरी ने जानकारी देते हुए दस्सिया कि मामले में माता के पुत्र ते नूं खिलाफ़ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। दसणयोग है कि उक्त बजुर्ग मां कल्पना की हालत गंभीर बनी हुई है। राहगीरां वल्लों बजुर्ग मां नूं सिविल हस्पताल विच इलाज लई दाखिल करवाया गया है।
अगली खबर जी, केजरीवाल ने किया ऐलान, जेकर लोड़ पई तां घर विच ही मुफ्त दित्ती जाएगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा। कोरोना नाल पूरी दुनिया लड़ रही है, कौमी राजधानी दिल्ली देश के कोरोना नाल प्रभावित इलाकों विचों एक है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जेकर लोड़ पई तो कोरोना तो ठीक हुए मरीजों को घर तक ही ऑक्सीजन की सुविधा पहुँचाई जाएगी। अक्सर ऐसा देखा गया कि कोरोना तो ठीक होने मगरों भी कुछ लोगों को सांस लेने तकलीफ आती है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया करवाने का दावा किया है। अगली वड्डी खबर जी, पंजाब विच अज 41 लोगों की कोरोना नाल गई जान, 1513 नवे आए केस। पंजाब दे विच कोरोना का कहर फिर तो वधदा जा रहा है। अज इस बीमारी के 1513 नवे मामले सामने आए हैं। सूबे विच कोरोना मरीजों की गिणती 46,090 हो गई है। अज कोरोना नाल 41 लोगों की जान जाण की खबर भी सामने आई है। सूबे दे विच कोरोना नाल जान गवाउण वालियां की कुल गिणती 1219 हो गई है। पंजाब के अंदर 23 विधायक भी कोरोना नाल पॉजिटिव टैसट किए गए हैं। पंजाब विधानसभा के एक दिन सैशन तो ठीक 2 दिन पहला इस गल का खुलासा होया है। अगली वड्डी खबर जी, दिल्ली ते हड़ां दा साया, खतरे के निशान कोल वह रही जमुना, भारी बारिश नाल पानी होर वधण दी संभावना। दिल्ली दे विच बुधवार जमुना दे पानी दा पद्धर खतरे दे निशान दे करीब रहा। उधर हरियाणा दे हथनी कुंड बैराज ते होर ज़्यादा पानी छड्डे जाण दी संभावना है। मौसम विज्ञानियों ने अगले 3-4 दिनों विच पश्चिमी उत्तर भारत विच भारी तो बहुत भारी बारिश होने का अंदाजा लाया है। जमुना विच पानी दा पद्धर शाम 6 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज ते 203 मीटर दर्ज किया गया। सोमवार पानी दा पद्धर 204 मीटर से सी। एक खतरे के निशान 205 मीटर तो सिर्फ 1 मीटर हेठा सी। संजाई ते हड़ कंट्रोल विभाग के एक अधिकारी ने दस्सिया कि हथनी कुंड बैराज तो शाम 6:30 बजे 25 आरक्यूसिक की दर नाल पानी छड्डिया जा रहा है। अगली वड्डी खबर जी, एक दिन विच 1000 तो वध मौतां, 67,151 नवे मामले। भारत विच बीमारी दे 67,151 नवे मामले सामने आने नाल देश विच लागदे मामले वध के 33,34,000 हो गए हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि कुल मामलों के विचों 24,67,758 लोग इस बीमारी तो ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने दस्सिया कि 1,059 होर लोगों की मौत होने मगरों मृतकों की गिणती वध के 60,000 के करीब हो गई। हाले 7,07,267 मरीजों का करोना लाग का इलाज चल रहा है, जो कुल 32,34,474 मामलों का 21.86% है। उसने दसिया कि मौत दर डिग के 1.83% हो गई है। इंडियन मैडिकल रिसर्च कौंसल ने दसिया कि हुण तक कुल 3,76,55,512 नमूनिया की जाँच की गई है, जिन्हों के 8,23,992 नमूनिया की जाँच मंगलवार को ही की गई। ये सन दोस्तों हुण तक दीयां पंजाब दीयां मुख चोणवीं खबरां, जिन्हां दे नाल तुहानूं जाणू करवाया गया। उम्मीद करते हैं साडे वल्लों दित्ती गई जानकारी सारी तुहाडे लई लाहेवंद साबित हुंदी होवेगी। पंजाब दीयां नवीं तो नवीं होर खबरां दे नाल जुड़े रहण दे लई, अपडेट होण दे लई साडे चैनल नूं हुणे ही सबसक्राइब कर लैणा। धन्नवाद जी।